हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द फोर मैजिशियन क्वेश्चन आंसर। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे क्योंकि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में समरी कर चुके हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग समरी है ये। फोर मैजिशियन मीन्स ये चार जादूगर। ये चार जादूगर कौन है, कौन वेताल है, कौन विक्रमादित्य, ये सभी जानने के लिए आपको समरी सुननी पड़ेगी। और सर्च कीजिए मेरी समरी सुनने के लिए द फोर मैजिशियन समरी बाय रानी शर्मा, आपको मिल जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, तो चलिए अब इसके इसमें करते हैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। नाउ सी हियर द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन गिवन हियर स्टेट वेदर इट्स अ ट्रू और फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो आपको रीज़न लिखना है। यहाँ पे फर्स्ट गिवन है आपका, आफ्टर दियर पेरेंट्स डाइड द फोर ब्रदर्स वर टेकन केयर बाय दियर अंकल। तो ये ट्रू है, फॉल्स है? ये फॉल्स है क्योंकि उन बच्चों की केयर अच्छे से हो नहीं पाई थी, है ना। द अंकल्स टूक केयर ऑफ देम ओनली फॉर सम टाइम, कुछ ही समय के लिए उन्होंने जो है अंकल ने केयर करी थी उन बच्चों की। ठीक है, द ब्रदर्स डिसाइड टू लर्न मैजिक बिकॉज दे वर इंटरेस्टेड इन लर्न मैजिक, इट्स अ फॉल्स। चलिए आगे रीजन देखते हैं। दे डिसाइडेड टू लर्न मैजिक टू मेक अ लाइवलीहुड, क्लियर। ये फॉल्स है क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो कुछ मैजिक पावर यू करेंगे जिससे कि वो अर्न कर सके मनी को। ठीक है, बचपन से ही। द लॉयन एट ऑल द ब्रदर्स एट वन गो, उन लॉयन ने जो है एट कर लिया चारों भाइयों को, क्या एट वन गो, एक बार में खा गया, नहीं, फॉल्स है। द लॉयन एट दैम वन बाय वन, एक एक करके खाया लॉयन ने। ठीक है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन कॉमन सेंस। ये क्या है, फॉल्स है क्योंकि नॉलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखती कॉमन सेंस से। फॉल्स इसलिए है क्योंकि द मॉरल इज़ दैट कॉमन सेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। कॉमन सेंस बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी नॉलेज से, क्लियर। द ब्रदर न्यू दैट द बोन्स दैट वर लाइंग स्कैटर्ड बिलोंग्ड टू अ लॉयन, यस इट्स फॉल्स because they didn't know the bones were a lion, क्योंकि जो भी तीनों ब्रदर्स जो एक बॉन्स पड़ी हुई तैयार कर रहे थे, उसको मांस और स्किन और हेयर दे रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि एक लाइन्स की जो है स्केल्टन है, क्लियर। चलिए, वेताल कुड नॉट गो बैक टू हेज ट्री बिकॉज विक्रमादित्य गेव द इनकरेक्ट आंसर, ये नो, अगेन इट्स फॉल्स बिकॉज वेताल वेंट बैक टू हेज ट्री बिकॉज विक्रमादित्य गेव द करेक्ट आंसर, क्योंकि विक्रमादित्य ने सही आंसर दे दिया था। नाउ सी हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन योर ओन वर्ड। तो चलिए आपको अपने खुद के वर्ड से कंप्लीट करना है बिकॉज यू नो द समरी वेरी वेल। दोबारे सुनना चाहते हैं तो दोबारे सुनिए, बहुत ही अच्छी मैजिशियन फोर मैजिशियन की समरी है ये। द चिल्ड्रन हैड टू गो टू लिव विद योर मेटरनल ग्रैंड फादर, नाना के घर चले गए थे बिकॉज देयर पेरेंट्स डाइड, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है मर गए थे। टू डील विद द प्रॉब्लम दैट दे वर फेसिंग एट देयर अंकल्स हाउस दे डिसाइडेड टू मास्टर सम स्किल्स दैट वुड हेल्प दैम अर्न मनी। उन्होंने फाइनल डिसाइड कर लिया था कि उसमें उन्हें क्या होना चाहिए, किसी चीज़ में मास्टर बनना चाहिए, किसी हुनर में किस कोई टैलेंट होना चाहिए जिसकी मदद से वो क्या कर सकेंगे, पैसा कमा सकेंगे। ठीक है, द फर्स्ट ब्रदर रिटर्न विद द नॉलेज ऑफ, तो क्या आएगा इसका आंसर, कवरिंग बेयर बॉन्स ऑफ एनी एनिमल विद द राइट काइंड ऑफ फ्लैश। ठीक है, सेकेंड ब्रदर ने क्या लर्न किया था, टू एड स्किन एंड हेयर ऑफ एनिमल्स आफ्टर द फ्लैश हैज़ बीन एडिड टू द बॉन्स। फ्लैश यहाँ पे मास है, ठीक है, मास चढ़ाना बॉन्स के ऊपर। द थर्ड ब्रदर कुड नाउ क्रिएट द लिम्स ऑफ द एनिमल हूज बॉन्स हैव बीन क्लोथ्ड विद स्किन, लिम्स होता है अंग पार्ट। ठीक है, द फोर्थ ब्रदर क्या उसने लर्न कर लिया था, स्किल वॉज स्किल्ड इन ब्रीदिंग लाइफ, सांस देना, किसी में जो है जीवन प्रदान करना, उसमें लाइफ सांस डाल देना, जान डाल देना, इन टू एन एनिमल दैट हैज़ बीन कवर्ड विद अ फ्लैश एंड स्किन, जब वो फ्लैश से और स्किन से कवर्ड हो जाए तो उसमें जान डालना। ये फोर्थ ब्रदर ने टैलेंट इसमें मास्टर किया था, कैसे डालते हैं, ठीक है, किस मैजिक से डालते हैं। द brothers collected the bones of an animal to display their knowledge to one another, एक के बाद एक वो जो अपने knowledge बताते गए। The brothers have
बीन कॉल्ड फूलिश, वो चारों ब्रदर क्या है, फूलिश थे, बिकॉज दे हैड नॉलेज बट नो कॉमन सेंस, उनमें नॉलेज तो थी लेकिन कॉमन सेंस नहीं थी कि वो अपना जो मास्टर है, अपना जो स्किल है, जो टैलेंट है, जो हुनर है, वो किस पे प्रयोग कर रहे हैं, एक लाइन पर प्रयोग कर रहे हैं जो जीवित होने के बाद उन्हें खा जाएगा, उन्हें मार डालेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नाउ सी हियर द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर द कृष्णा स्वामी चिल्ड्रन लेफ्ट पेनीलेस। पेनीलेस मैंने आपको बताया था, पेनीलेस होते हैं गरीब, ठीक है। कैसे जो कृष्णा स्वामी के बच्चे गरीब हो गए थे। नाउ सी द आंसर ऑफ फर्स्ट, नाउ सी द आंसर, कृष्णा स्वामीज सन्स वर लेफ्ट पेनीलेस बिकॉज देयर ग्रीडी रिलेटिव्स ट्रिक्ड देम आउट फॉर देयर प्रॉपर्टी व्हेन कृष्णा स्वामी एंड हिज वाइफ डेड। जब उसके कृष्णा स्वामी के पेरेंट्स और कृष्णा स्वामी उसके वाइफ जो है जब मर गए, तो उनके ग्रीडी लालची रिलेटिव्स ने एक चाल चली उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, दिस ट्रीटमेंट बिगेन टू वेन, व्हाट डज दिस रेफर टू। यहाँ पे दिस जो है रेफर किसको, किसके बारे में बताया गया है, दिस, ठीक है। सी नाउ, दिस रेफर्स टू काइंड ट्रीटमेंट एंड केयर द ऑर्फेंड सन्स ऑफ कृष्णा स्वामी इज रिसीव्ड फ्रॉम देयर अंकल्स। ये दिस जो है रेफर करता है उस ट्रीटमेंट को, उस प्रकार के ट्रीटमेंट को और केयर करने को जो ऑर्फेंड सन्स होते हैं, ऑर्फेंड मीन्स होते हैं अनाथ, जो अनाथ बच्चे हैं, ठीक है। अनाथ बच्चे किसके हैं, सन ऑफ कृष्णा स्वामी, कृष्णा स्वामी, रिसीव्ड फ्रॉम देयर अंकल, जो कृष्णा स्वामी ने रिसीव्ड किए थे अपने अंकल से। चलिए थर्ड का आंसर आपको खुद से करना है, द बॉय डिसाइड टू लर्न सम स्किल्स टू सर्वाइव, तो ये खुद से आपको करना है। फोर्थ है, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द फोर ब्रदर, चलिए एंड वाई देखते हैं, उन चारों की डेथ के जिम्मेदार कौन था और क्यों। तो फोर्थ का आंसर है, द फोर्थ ब्रदर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डेथ, जो फोर्थ ब्रदर है वो रिस्पॉन्सिबल है सभी की डेथ का, मृत्यु का कारण है वो। क्यों कारण है, क्योंकि इवन आफ्टर नोइंग, ये जानने के बाद, दैट द एनिमल वॉज अ डेंजरस लाइन, वो डेंजरस लाइन है, ये जानने के बाद भी ही ब्रेथेड लाइफ इन टू इट, उसने उसमें जो है सांस डाल दी, उसने उसमें जो है जान डाल दी। अब वो जान डाल दे क्या हुआ, लाइन जो है उनको खा गया चारों भाइयों को, ठीक है। तो सभी जो हैं जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ फोर्थ ब्रदर जो है रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। सो होप यू अंडरस्टूड दीज आंसर्स बुक एक्सरसाइज वेरी वेल। समरी देखने के लिए द फोर मैजिशियंस समरी बाय रानी शर्मा सर्च कीजिए, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। और कोई चैप्टर आप सर्च करना चाहते हैं या क्वेश्चन आंसर सर्च करना चाहते हैं, चैप्टर नेम बोलिए, क्वेश्चन आंसर बोलिए, बाय रानी शर्मा बोलिए, तो डेफिनेटली यू विल गेट। सो होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय टू ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू, बाय बाय टू ऑल।